Christmas cake is what? The yummy plum cake. Let's make pear and plum cheesecake. Ye raha the plum cake that I was talking about. Agar aap ghar mein nahi banana chahte hain, to bazaar mein bhi aasani se ye available hai. You can just buy it. Main le rahi hoon kareeb 2 se 3 slices. And I'm going to mash it with my hands. And uske baad, main lungi thoda sa butter. And I'm going to add it to this plum cake. इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे. ये है एक चीज केक टिन जिसके बेस को मैंने पहले से ही सिल्वर फॉइल के साथ कवर कर दिया है. तो चलिए अब ये जो प्लम केक का हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया है उसे यहाँ इस तरह से हम बेस पे लगा देंगे. इस बेस को हम स्मूदन कर देंगे, फ्लैट कर देंगे और फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए. अब हम लेंगे एक बड़ा बोल और उसमें हम डालेंगे क्रीम चीज, फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा कंडेंस मिल्क. अब हम लेंगे एक विस्क एंड वी आर गोइंग टू क्रीम दिस. अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस. अब इसमें हम फोल्ड कर देंगे व्हिप्ड क्रीम. जी हाँ, जैसा हमने पहले किया था, वी आर गोइंग टू यूज 1/3 ऑफ द व्हिप क्रीम फर्स्ट. उसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फोल्ड इन द रेस्ट ऑफ द व्हिप क्रीम. ओके लवली, दिस इज डन. बस अब इसे हमें सेट करने के लिए फ्रिज में रखना है. उसके लिए हमें लेना होगा थोड़ा सा जेलेटिन, जिसे मैं एक अलग बोल में लूंगी थोड़ा सा जेलेटिन. I'm going to mix it with a little bit of this mixture. And फिर हम ये पूरे मिक्सचर में इसे मिला देंगे. Now one nice and final mix. Okay, अब हम लेके आते हैं हमारा चीज केक टिन जिसके अंदर हमने प्लम केक को सेट होने के लिए रखा था. Lovely. Nice and cold and set. अब यहाँ रख के हमारा ये चीज केक का मिक्सचर हम पोर कर देंगे. Now we're gonna give it a slight tap. और अब इसे रख देंगे फ्रिज के अंदर करीब 4 से 5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए. प्लम केक हो गया, चीज केक बन गया और अब करेंगे पेयर्स के साथ कुछ मैजिक. अब इसे काट लेंगे, हम इसके थिन स्लाइसेस कर लेंगे. ये हो गए हमारे थिन स्लाइसेस ऑफ पेयर्स तैयार. अब हम क्या करेंगे, अब लेके आते हैं हमारा चीज केक जो सेट हो गया होगा. नाइसली सेट. अब हमें इसे डीमोल्ड करना है, राइट? तो इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज अ ब्लो टॉर्च. इसके हीट को एडजस्ट कर लेंगे. अब इसे खोलेंगे एंड लेट्स होप दैट इट विल गेट डीमोल्डेड इजिली. यस, ओके लवली. अब जो हमने सिल्वर फॉइल लगाया था ना पहले, अब वो काम में आएगा. इसे खोल लेंगे हम. वी गोना जस्ट टेक इट आउट लाइक दिस एंड फिर नीचे से हम ये सिल्वर फॉइल निकाल लेंगे. देयर यू गो, प्लेस दिस जेंटली ऑन दिस प्लेट. अब ये जो पेयर के स्लाइसेस हमने बनाए थे उसको इस तरह से हम लगा देंगे. अब हम लेंगे एक और स्लाइस प्लम केक का एंड ये क्रिसमस ट्री का मोल्ड मेरे पास है. यस, वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वी आर गेटिंग रेडी फॉर क्रिसमस, राइट? कट करके वी आर गोइंग टू मेक अ ब्यूटिफुल क्रिसमस ट्री एंड हम लगा देंगे इसे. देन सम स्टार्स एंड सम सिल्वर डेकोरेशन, एडिबल डेकोरेशन, स्प्रिंकल इट ऑन. वी आर जस्ट गोइंग टू थ्रो दीज डेकोरेशंस ऑल अराउंड फॉर द यमी क्रिसमसी फील एंड हियर यू गो, आवर पेयर एंड प्लम चीज केक इज रेडी.